सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेजर साहब शुरू करते हैं, कैसा रहा ये साल जिसके अभी 2 दिन रह गए हैं, आपके ख्याल से कैसा रहा? आपने मतलब मैं पूरी पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि किस तरह से आप देखते हैं। आरजू जी, काफी इंटरेस्टिंग साल रहा। देखिए, मार तो पड़ी है सबको, मार पड़ी है, हमें भी पड़ी है, आपको भी पड़ी है, अमेरिका बहादुर को भी मार पड़ी है, चीन को भी, सबको मार सबको बराबर पड़ी है इस साल। लेकिन ठीक रहा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि लोगों को पता लगे कि वो इनफेलिएबल नहीं है, लोगों को ये पता लगे कि वो इस दुनिया से सबको जाना है एक दिन। तो अब देखिए, ये वबा ऐसी आई, ये परेशानी ऐसी आई कि बड़े से बड़े जो सिकंदर थे वो उनको घुटने टेकने पे इसने मजबूर कर दिया। पर यहाँ से, जहाँ से थोड़ी सी नाउम्मीदी दिखती है, वहाँ से उम्मीद भी दिखती है। तो फिर वैक्सीन का इजाद भी हुआ अमेरिका में, यूके में, रशिया में, इंडिया में भी अगले महीने से होपफुली सबको वैक्सीन मिल जाएंगे, इंडियन वैक्सीन। तो सब अच्छी बातें हैं, तो बुरे के साथ अच्छा भी हुआ, मिला जुला साल रहा, इंटरेस्टिंग साल रहा। 2020 कोई भूलेगा नहीं आरजू जी, ना आप भूलेंगे ना मैं भूलूंगा, कोई और भी नहीं भूलेगा इसको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहा। बिल्कुल, और यूएस इलेक्शंस में भी जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का था कि वो वहाँ पे हार गए और इस तरह से। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नए साल में क्या चैलेंजेस हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप समझते हैं कि फोकस रखना चाहिए? और बिल्कुल इंडिया में भी कोई ना कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। नहीं, बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट तो कहीं पर भी नहीं चलती, अमेरिका तक में नहीं चलती तो इंडिया में क्या चलेगी। इंडिया इज अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी, मतलब ना हिंदुस्तान में ये है ऐसा थोड़ा सा, हम लोग हैं ऐसा, वी आर इमोशनल पीपल, और ये झगड़े भी चल रहे हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, सब कुछ तो बहुत बड़ा इंडिया में चलता रहता है। जहां तक पाकिस्तान है, मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, चीमा साहब की शो में भी था, मैं यही कह रहा था, 20 साल तक सब कुछ बंद करो, ये 20 साल तक पाकिस्तान में सब कुछ बंद करो, फोकस ऑन योर इकोनॉमी। मैं तो ये बोलूंगा कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी ओनली, क्योंकि जो आप लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया में, खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद मुख्तारी की, आरजू जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सोवरेनिटी होती है इकोनॉमिक सोवरेनिटी होती है। देखिए, जो किसी मुल्क की ताकतें होती हैं या फिर कोई भी मुल्क की जो फौजें होती हैं, राइट, वो बात करती हैं ज्योग्राफिकल सोवरेनिटी की। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको, क्योंकि इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं है तो आपको झुकना पड़ता है, और उसमें आपकी अस्करी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। हाल ही में देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, जैसे सऊदी अरब के साथ आपकी कशीदगी चली, और आगे चल के ठीक भी हो जाएगी, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, देयर इज नथिंग परमानेंट, आज खराब है कल अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ रहा, या फिर और किसी मुल्क के साथ रहा ना, आपका जैसे यूएई के साथ रहा, तो सबका एक देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान, मैं तो वही बात मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए ऐसी, क्योंकि पूरा एक मुल्क है तो मैं क्या बोलूँ मुल्क के लिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगना चाहिए, अगर सब बंद कर देना, अब सारे खिड़की दरवाजे, अब मैं जब बोलता हूँ तो पाकिस्तानी नाखुश हो जाते हैं बड़े, कि साहब कैसे, मैं तो बोला आपने पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ना सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप 20 साल के लिए, ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। तो तब उससे क्या होगा अर्जु जी, कि जब आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करेंगे ना, तब शायद पाकिस्तानियों को एहसास हो कि दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है, ये बात सच है। और जितनी जल्दी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान समझ जाए, पाकिस्तानी सियासतदान तो समझते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, समझते हैं कि पैसे को सलाम करता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना लार्जर इशू ऑफ दिस थिंग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जो कंट्री होगी, आज की तारीख में आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास एमएम है, राइट, सिंगापुर के पास नहीं है,
न सिंगापुर ने कभी डिमांड करी इसकी। पर ठीक है, आपके हालात अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात अलग हैं, जियो स्ट्रेटेजिक अलग हैं, लेकिन अगर आप ये पूछें कि आज क्रेडिबिलिटी किसकी है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, तो आपके एटम बॉम्ब को नहीं करती, वो सिंगापुर के पैसे को सलाम करती है। तो ये दुनिया की फितरत है। दूसरी चीज आपने पूछा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया को भी इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमारा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और जबरदस्त फोकस करे इंडिया। और मेरा बड़ा मन है कि 2021 में हम लोग बजट में सिग्निफिकेंट पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में हम लोग पैसा डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जबरदस्त है इंडिया में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा फोकस करें, ज्यादा हम लोग उसको सामने लेकर आए, पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब, एक चीज़ मेरे पास बल्कि लिख के भी रखा है कि इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद एक कार्गो ट्रेन एक्सपेक्टेड है, बल्कि शायद लॉन्च होने जा रही है। तो ये तीन कंट्रीज़ जो हैं, ये अगर मिलकर इस तरह से काम करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया के भी अच्छे टर्म्स होते और इंडिया भी इसमें शामिल होता तो उसके लिए भी बेहतर होता? नहीं, देखिए, ये तीनों मुल्क आपने जिनकी बात करी है, इनके पास पैसे नहीं है अर्जु जी। देखिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की दोस्ती सऊदी अरब से हुई, अमेरिका से हुई, चाइना से हुई, राइट? हम तो ईरान से पैसे लेके तेल लेते हैं, हम तो ईरान के कस्टमर हैं। अब वो ठीक है, उनके सैंक्शंस हो गए और ये सब नहीं हो गया, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इससे लेके? हमारे लिए कैसे बेहतर होता, ये तो बताए कि हमारे लिए किस तरीके से बेहतर होता। लेकिन मेजर साहब, जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो 649 बिलियन डॉलर्स के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है और उनके पास 680 बिलियन डॉलर्स हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? हम ये नहीं कह रहे टर्की के, टर्की आपको पैसे नहीं देगा, टर्की आपको अर्दुगुल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। क्या ईरान आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या तुर्की आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। आप इमरान खान ने पिछले साल अनाउंस करा था टीवी चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा, बन गया टीवी चैनल, नहीं बना ना अर्जुन जी, वो नहीं बनेगा आगे। तो जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते, वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गई आपकी, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा? अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं, उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई तो। बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही थी, मैंने देखी, आपका जो रेलवे मिनिस्टर है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ना अपने आप अंदर से स्ट्रांग करिए। आपकी अगर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन नहीं चलती, उसको आपकी फिक्र नहीं, आपको यह है कि हमारी यहां से तुर्की तक ट्रेन चले, क्यों चले भाई? आप पहले अंदर की ट्रेन चलाओ अपनी, हमारी अंदर की ट्रेन चलती है, फिर हम बाहर की चलाएंगे। पहले आप पाकिस्तानी कौम है ना, आप आरजू जी पाकिस्तानी कौम को आप मजबूत करिए। आप बाहर देखिए, दो चीजें हैं, हर समय जब फॉरेन रिलेशन होते हैं अर्जुन जी, तो हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि ये जो दूसरा मुल्क है वो हमसे चाहता क्या है। इसमें कोई यारी दोस्ती की, आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान, ये सब बेकार की बातें। मजहब के नाम पे कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना? आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कह रहे हैं ईरान, तुर्की और ये अपना पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाएंगे, और आपने बोला कि इंडिया भी जुड़ जाए तो इंडिया का फायदा, पाकिस्तान का फायदा कैसे होगा ये बताइए? पाकिस्तान जाहिर है तीनों मिलके काम करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान बेकार तो नहीं, आप पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना, कहीं ना कहीं तो काम आ रहा होगा। पूछ रहा हूँ आरजू जी, जरूर आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेकार है, मैं कह रहा हूँ महान मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छा देश है,
तगड़े लोग हैं। मैं आप तो सिर्फ ये कह रहा हूँ पाकिस्तान बनाता क्या है, ये बताइए, जो तुर्की को चाहिए, जो ईरान को चाहिए, जो ईरान कहे कि जी अगर पाकिस्तान से हमने ये नहीं लिया तो हम खत्म ही हो जाएंगे, आप एक चीज बता दीजिए तो पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तानी गुस्सा होता है कहते जी फुटबॉल बनाते हैं वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है, पाकिस्तानी ने मुझे फेसबुक पर बड़ा लंबा मैसेज देखा कि तुम क्या सोचते हो फुटबॉल बनाते हैं, हम कहते हम नहीं खेलेंगे फुटबॉल, और बताओ अब आगे बताओ क्या। तो मैं ये कहता हूं ना कि हर समय आप ये लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं, लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, आपका जो सीपैक था वो बंद हो गया फिलहाल के लिए, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो कहती है सीपैक बंद हो गया, सीपैक आज की तारीख में कोई चेयरमैन नहीं है, अब पाकिस्तानी आर्मी को दे दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी सीपैक चलाएगी। जब आप लोग अमेरिका के साथ थे तो पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जब आप सऊदी अरब के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जब चीन के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला हो गया, जो अब आप तुर्की के साथ और इसके साथ जा रहे हैं ईरान के साथ बोलेंगे जी हमारा भला हो जाएगा, भला किसका होता है? अगर पाकिस्तान वहां को ट्रेड करे वो तो कहेगा ठीक है, तुर्की कहेगा ठीक है, हम ये 10 चीजें बनाते हैं, हम 10 चीजें आपको बेचते हैं, तो आप तुर्की से लोन लेंगे और वो चीज तुर्की से ले लेंगे। पाकिस्तान को अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेस तगड़ा करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके लिए पावर रिफॉर्म्स आपको लाने पड़ेंगे, जो पर यूनिट मनमर्जी की बिकती है ना पाकिस्तान में बिजली की, जी इतने रुपए पर यूनिट बेच दी, वो रोकना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करना पड़ेगा अर्जुन जी, आपका जो आपका हैंडलूम वाला है, जो आपका फैब्रिक बनाता है, कपड़ा बनाता है, आपको उसको उसकी मिलें बंद है पाकिस्तान में, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है और जब बिजली आती है तो फिर वो 2-4-5 घंटे के लिए आती है, बाकी समय बिजली उसकी मिलें बंद है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप खुद मजबूत बन जाएंगे ना, फिर आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होगी, फिर तुर्की आपके पास आएगा। और ये जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि ये लोग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में सुनने को आता है, मैंने ईरानी मीडिया में नहीं सुना कि हम पाकिस्तान के साथ बड़े एक्साइटेड है कोई ब्लॉक बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी तरफ से ही पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आएगा वहां पे। तो बराबर के रिश्ते होते हैं, बराबर की दोस्ती होती है, जब दो मजबूत पहलवान होते हैं तब उनकी लड़ाई भी अच्छी होती है, उनकी दोस्ती भी अच्छी होती है। तो आप, मैं यही कह रहा हूं, आप ये सब ना, ये जो पाकिस्तानी, ये जो हम शाहीन हैं और ये सब ना, ये डायलॉगबाजी बंद करके, आप बुरा मत मानिए मेरी बात का अर्जुन जी, सिंपल सा बोलिए जी हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, और पाकिस्तान की बेहतरी किस तरीके से होगी, जब पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे लोग, जब वहां पे करप्शन कम होगा, जब वहां पे जो बाकी चीजों का बुरान है वो कम होगा, ठीक है ना, जब वहां पे एनर्जी की सिक्योरिटी होगी, जब वहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, जब आटा दाल चावल ये सब चीनी सस्ती होगी आम लोगों की, तब जाके जब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी और आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फिर आप जाके, फिर जब ये सब हो जाएगा ना, फिर अमेरिका, आप डायरेक्टली यूरोप से बात करेंगे, तुर्की वुर्की ये जो अपने आप को ना वुड बी यूरोपियंस मानते हैं कि जी हम भी गोरे हैं वो भी गोरे हैं, तो हम भी क्योंकि बॉस्फोरस पे हैं और जो यूरेशिया का ये सब ये नकली यूरोपियन है तुर्की वाले, फिर आपको नकली से बात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इक्वल टर्म्स पे बात करेंगे लोगों से। आप सऊदी अरब से बोलेंगे हाँ ठीक है तुम्हारे पास तेल है ना, हम पैसा दे के खरीदते हैं तुमसे तेल, तुम कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर, कोई लोन नहीं दे रहे हमें, बताओ, फिर यू कैन से बताओ कितना पैसा लिया, ये लो चेक तेल भेजो, ऐसे बात होती है। जिस दिन वैसे पाकिस्तान बात करेगा फिर ये सब ये छोटे मोटे ईरान से आपको ना ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेजर साहब, ये जो हम लोग न्यूक्लियर एसेट्स बनाते जा रहे हैं सारी दुनिया में ही, बल्कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं, क्या ये कोई सिक्योरिटी देता है? और हमारी जैसी कंट्रीज में सारा पैसा उसमें लग जाता है, अगर हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहें तो और ये चीज़ों के ऊपर पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी कंट्री में भी जो आम आदमी है उसकी वही हालत है जो हमारे यहाँ है, वो भी सड़क पे सो रहा है, वो भी भूखा है, उसके पास भी जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सबके पास जॉब है। तो अगर हम ये न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर पैसे लगाना, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना बंद कर दें या कम कर दें तो उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या ये सिक्योरिटी देते हैं ये हथियार और ये न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या हम चला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल के चलाने की हिम्मत है किसी में। आरसू जी, दो चीजें, ये बात सही है कि हिंदुस्तान में लोग भूखे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप पैरामीटर्स देखें, आप इंडिकेटर्स देखें, तो हमारे गरीबों की हालत अच्छी होती जा रही है, पाकिस्तान के गरीबों की हालत बुरी होती जा रही है। हमारा 1% हर साल पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठता है। हमें अपनी ग्रोथ मैनेज करनी है, अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 8 या 9 टच कर जाती है, जो हम कोशिश कर रहे हैं 9 टच कर जाती है, और जैसा कि मोदी जी ने बोला हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं, तो गरीबी फिर कम हो जाएगी काफी।
मैं ये नहीं कह रहा गायब हो जाएगी, लेकिन आरजू जी काफी हद तक वो हमारी गरीबी जो है लोगों की वो कम हो जाएगी। हमारी सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, क्या परफेक्ट काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, परफेक्ट काम नहीं कर रही, और मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को, लेकिन सरकार हमारी आज की सरकार है लगी हुई है इस चीज पे। लेकिन आरजू जी ये चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में और लोग गरीब बनते जा रहे हैं। बिकॉज अभी अभी इमरान खान साहब का बयान आया ना कि 2.5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि करना क्या है वहां पे, यू नो 2.5 साल मुझे सीखते सीखते चले गए, तो वो तो कह रहे थे कि मैं सब सीखा सिखाए आया हूँ, मैं आते ही सबकी बैंड बजा दूंगा, तो फिर वो हुआ नहीं। तो वो चीज है कि जब हुकूमत में आते हैं तो सरप्राइजेस आते हैं। दूसरी चीज, जहां तक आपने एटॉमिक एनर्जी की बात करी या आपने एटम बॉम्ब्स की बात करी, देखिए हमारे साथ वो अफोर्डेबिलिटी का मामला नहीं है। इंडिया इस सीन, मैं बता रहा हूं उसमें फर्क क्या है। एक तो हमारे लिए ज्यादा कोई बजट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इज डूइंग ओके और वी हैव इनफ मनी, हम अपना एटॉमिक प्रोग्राम मैनेज कर लें, ठीक है। पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इंडिया ने बना लिया था, तो आपने बोला कि जी इंडिया है तो हमें चाहिए। अब ये जब बातें हो गई ना कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वर्ल्ड लेवल पे है, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोले आरजू जी, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सीन एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर को जेल में डाला, मुशर्रफ ने जेल में डाला, आज की तारीख में भी उनकी हालत टाइट है, अपने हाउस अरेस्ट में है वो, अब्दुल कदीर खान जाके फादर ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लस विकीलीक्स में भी आया है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को पता नहीं किस किस को बॉम्ब की टेक्नोलॉजी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो दोनों मुल्कों को कंपेयर करना आरजू जी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा मामला, इंडिया का मामला बहुत आगे जा चुका है। मतलब हमारे, हम लोग वी आर टॉकिंग टू अमेरिकन अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग टू द यूरोपियंस अबाउट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया दो लेवल पे है, एक इंडिया वो जो आप समझते हैं कि जो गरीब है और है भी यहां पे, एक वो इंडिया जो 21वीं सदी में नहीं 22वीं सदी में जा रहा है, जो स्पेस रिसर्च की बात कर रहा है, एक इंडियन है जो यू नो फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जिसने शायद रात को खाना नहीं खाया, सिर्फ दोपहर को एक बार खाना खाया था, रात का खाना नहीं खाया, वो भी हमारी सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसरो जो है हमारा, राइट, नेटो, सॉरी वो जो इनका क्या नाम कहते हैं इनका, जो नासा है अमेरिकन का, नासा वाले आके हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई आप 100-100 सैटेलाइट एक साथ कैसे भेज सकते हैं, इतना आपने सस्ते में इतना एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम कैसे बनाया। तो इंडिया काफी लेवल्स पे चलता है अर्जु जी, एक एक लेवल पे इंडिया, नहीं कि आप बोले गरीबी तो सिर्फ गरीबी है और अच्छा है सिर्फ अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन गरीबी पे नजर है और चीजें हो रही हैं, और मतलब ये ठीक ठीक अच्छाई की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन आपको लगता है कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये कोई सिक्योरिटी देते हैं आपको या पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, हमें तो पूरी देते हैं। हम लोग बीजिंग को हिट कर सकते हैं, बीजिंग को ये पता है, हमें ये पता है, बस का नहीं करता, ये इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, सही, वो क्या कर लेंगे अगर, देखिए सुनिए, वो कर क्या लेंगे हमारा? देखिए साहब 130 करोड़ का मुल्क है, ठीक है ना, क्या कर लेगा बीजिंग हमारा, क्या कर लेगा? लद्दाख पे वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, 50 साल तक बैठे रहेंगे, हम 50 साल तक बैठे रहेंगे। देखिए इंडियाज टाइम हैज कम, इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, हिंदुस्तानियों ने, राइट, जो ये सेलेक्ट फ्यू थे ना, ये जो आपके P5 जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, जो इन्होंने एक्सक्लूसिव क्लब बना रखा था भाई इसमें सिर्फ ये लोग होंगे 5, उस क्लब में हम लोग घुस गए हैं, हमने पैर मारा और हमने दरवाजा तोड़ दिया, अब हम घुस गए। अब दुनिया को पता है, अमेरिका ये बात कबूल करता है, चाइना भी कबूल करता है, वो डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट, लेकिन यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया इन दिस वर्ल्ड, वी आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, वी आर सिंपली टू पावरफुल, वी आर ग्रोइंग टू फास्ट, और दुनिया का जो आप देखिए हर जगह पावर स्ट्रक्चर में इंडियंस हैं आज, इसके पीछे आरजू जी 70-72 साल की मेहनत है, इतने हिंदू, मैं तो जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं, राइट, मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, हिंदुस्तानी माँ बापों को, माँ बाप ऐसे थे मैं जानता हूँ जिन्होंने एक रोटी कम खाई अपने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी, और आज वो हिंदुस्तानी
सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं. दीज आर नॉट रिच पीपल कि आप बोलें कि साहब ये बड़े अमीर थे और उनके घर में गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे. ये बड़े आम से हिंदुस्तानी हैं, छोटी छोटी गलियों में कुछों में रहने वाले, जिनके बच्चे आज सिलिकॉन वैली पर राज कर रहे हैं. फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कहीं पर भी जाइए आपको हिंदुस्तानी मिलेंगे. ये हमारा एक वर्क एथिक है, ये हमारा कल्चर है. और वो लोग वहां पे भी जाएंगे ना, उनका एक्सेंट अमेरिकन हो गया होगा, ठीक है, लेकिन दिवाली के दिन वो भी कुर्ता पैजामा पहनते हैं. नहीं तो बहुत अच्छी बात है, और ये चीज़ तो खैर सभी ने नोटिस की है कि जो आईटी है और इस तरह की जो फील्ड है उसमें इंडियंस बहुत आगे हैं. एक चीज़ मुझे बताइए मेजर साहब, के अभी इमरान खान साहब ने कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जी हमारे ऊपर, उनके ऊपर यानी प्रेशर है इसराइल को एक्सेप्ट करने का. तो ये प्रेशर कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है कि इस्लामिक कंट्रीज दे रही हैं, सऊदी अरब दे रहा है, ये बात उन्होंने क्यों की? और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक फ़लस्तीन के लिए कुछ ना हो जाए, कोई मतलब अच्छी बात ना सेट कर ले लोग. देखिए सुनिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में, ये खुद झूठ बोलते हैं. किसने बोला आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए? आपने बस, आपने मतलब कि इमरान खान ने और DGISPR ने बैठ के बात करी, बोला चलाओ चलाओ हम पे प्रेशर है. अरे बताओ ना किससे प्रेशर है, किसने बोला, किसने फोन करा आपको, बताओ एक बार तो बोलो. ये फालतू में झूठ बोलते हैं प्रेशर है प्रेशर. अच्छा एक बात यार जी, मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा एज ए ह्यूमन बींग, इसराइल को क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे? सबसे ज्यादा दुनिया में PhDs इसराइल से निकलती हैं. इसराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे आगे है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट है, राइट? और पाकिस्तान के ऊपर साहब बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कर दो, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे अगर पाकिस्तान. अरे यार थोड़ा होश के नाखून ले. आप सोचे ना अर्जुन जी, ये इमरान खान पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. वजीर आजम है मुल्क के, थोड़ी सी, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी ना कि संजीदा बातें करें, थोड़ी सी सीरियस टाइप की बातें करें. सब बड़ा प्रेशर है. किसका प्रेशर है आप बताइए? किसने बोला आपको किसका प्रेशर है? कौन कर रहा है? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप ना करें, हम फिलिस्तीन ये सब. देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1979 में जनरल जियाउल हक, उस समय ब्रिगेडियर था या मेजर जनरल था, वो किंग हुसैन थे जॉर्डन के, उनके अंडर आके पाकिस्तानी फौज ने फिलिस्तीनियों को मारा है. अर्जु जी आप हिस्ट्री चेक करिए, हजारों फिलिस्तीनियों को मारा है. आज पाकिस्तान उन्हीं फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है कि जी हमें आपके हुकूक के लिए, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे. फिर आपने मारा क्यों था उन हजारों फिलिस्तीनियों को? भाई आप गए थे ना वहां पे, मैं नाम बता रहा हूं, जियाउल हक थे वहां पे, ब्रिगेडियर थे या मेजर जनरल थे, समथिंग लाइक दैट, जियाउल हक ने मरवाए हैं फिलिस्तीनियों की, हजारों फिलिस्तीनियों की लाशें आपने बिछा दी. आप कहते हैं हमें प्यार है उनसे, प्यार है तो कुछ करो उनके लिए, फिलिस्तीनियों के लिए. कुछ करा नहीं, कुछ नहीं. लेकिन आप, लेकिन मेजर साहब आप किस तरह देखते हैं अभी अभी जो आजकल सिचुएशन है उसमें, आप पाकिस्तान का जो रोल है इस्लामिक कंट्रीज के साथ, उसमें वो जाके कश्मीर की बात भी करते हैं, दूसरी बातें भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है जो इस्लामिक कंट्रीज है, चाहे वो UAE हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ये किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को? आरजू जी कश्मीर में किसी को दो रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी को दो रुपए का क्या, किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं. चवन्नी समझती है, 25 पैसे को बोलते हैं. किसी को कश्मीर में आप चवन्नी बोलते हैं? हाँ यही बोलते हैं जी. अब होती नहीं है मगर यही बोलते हैं. होती नहीं है बट वही बोलते हैं. किसी को चवन्नी का इंटरेस्ट नहीं है. लोग अपने मामलों में लोग सब परेशान है, सबको अपने घर चलाने हैं. पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कहता है मुस्लिम कंट्रीज, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि मुस्लिम कंट्रीज क्या होती है. आपने कभी सुना क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा है? बुद्धिस्ट कंट्रीज नहीं है भाई. थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, बर्मा इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, जापान इज वेरी लार्जली बुद्धिस्ट. आपने कभी सुना है कि बुद्धिस्ट कंट्रीज ने डिसाइड करा, क्रिश्चियन कंट्रीज ने डिसाइड करा? हिंदू खैर दो तीन ही मुल्क हैं और हमारी वैसी फितरत भी नहीं है. तो ये सब ना कि मुस्लिम कंट्रीज इन सबसे दिमाग से निकाली है. There are only two kinds of countries, rich countries and poor countries. गरीब मुल्क होते हैं और अमीर मुल्क होते हैं, और वो दो अमीर मुल्क हैं, एक ईसाई हो, एक यहूदी हो, या फिर एक मुसलमान हो. आज की तारीख में आप भी मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरब भी मुसलमान मुल्क है, और यहूदी तो आपका दुश्मन है. अब आप बताइए सऊदी अरबिया किसके नजदीक है? एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के नजदीक है कि यहूदी के नजदीक है? वो यहूदी के नजदीक है, आपके नजदीक है ही नहीं वो, क्योंकि उसको यहूदी से कुछ चाहिए आपसे. पाकिस्तान सऊदी अरब को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके पास है नहीं कुछ आप सऊदी अरब को दे दें. सऊदी अरब के पास पैसा है,
वो टेक्नोलॉजी चाहता है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें कि कश्मीर का देखिए, इंडिया में एक लॉबी है, आज मैं आपको वाजे तौर पर बताता हूँ आपकी शो पे, इंडिया में एक लॉबी है जो कि ये चाहती है कि कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर का ऑब्सेशन है वो कभी खत्म ना हो। आई एम टेलिंग यू, एंड दीज आर इंटेलेक्चुअल पीपल, इसमें आपके साइंटिस्ट हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इसमें आपके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं इंडिया में। मैं उनके साथ बैठा, कल परसों ही बैठा था उनके साथ, एंड दे टोल्ड मी कि गौरव, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया इफ पाकिस्तान कीप्स अप विद दिस कश्मीर ऑब्सेशन। हमारी तो कुछ फौज वहां पे अटकी है, ठीक है, और हमारे मुल्क का हिस्सा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की फ्यूचर आपने कश्मीर पे दांव पे लगा दिया 72 साल से, और जो पाकिस्तान की जो तरक्की नहीं हो पा रही है, वो ठीक है कि आपके सियासतदान करप्ट भी हैं, नाहल भी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें आरजू जी जो मामला है आज की तारीख में वो कश्मीर का है। इतने ऑब्सेस्ड हो गए पाकिस्तानी की एक दिन कश्मीर, देखो आम आदमी बोल रहा है, वो गोश्त खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, आरजू जी वो बोल रहा है कि कश्मीर, अरे तुझे क्या देना, तू बच्चे के लिए दूध खरीद नहीं पाता, कश्मीर आजाद करेगा, बड़ा बड़ी बातें कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, और कुछ इंडियंस को ये सूट करता है नैरेटिव कि पाकिस्तान को कश्मीर के साथ ऑब्सेस्ड होने दो। अब आप एक बात बताइए, अगर तुर्की, मैं आपसे पूछता हूं अर्जुन जी, चलिए तुर्की ईरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन जाए और ये बोल दे कि हां भारत को कश्मीर में, भारत को कश्मीर के बारे में कुछ करना चाहिए, यूएन रेजोल्यूशन की बात कर दे, पाकिस्तान में सब लोगों ने बंगले डाले, जपियां डाली, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, मैं बताता हूं फिर क्या होगा, ठीक है जी। हम लोग वही करेंगे जो हमें मलेशिया के साथ करा था। हमने मलेशिया में भी महातीर बहुत बोल रहा था ना, बहुत चल रहा था, हमने पाम ऑयल कर दिया बंद, महातीर निकल गया, दूसरा आ गया, घुटनों पे आ गया मलेशिया। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि कल से तुर्की कोई नहीं जाएगा, जाओ जाओ। लेकिन मेजर साहब, आप बेशक पाकिस्तान की बात, तुर्की को अगर पैसा चाहिए हमारा तो तुर्की को बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, वरना तुर्की को एक रुपया नहीं मिलेगा। अगर नहीं चाहिए पैसा तो बोलते रहो कश्मीर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, पैसा नहीं मिलेगा हमसे। नहीं, आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन सारी बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़ें, लेकिन जो लोग कश्मीर में रहते हैं, मैं अक्सर आप लोगों की डिबेट देखती रहती हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे, तो जो लोग कश्मीर से आए होते हैं वो खुश नहीं हैं, वो नाराज़ हैं, वो अभी इलेक्शन से खुश नहीं हैं, कम अज़ कम उन लोगों का तो ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, पाकिस्तान को आप सही कह रहे हैं साइड पर हो जाए, लेकिन जो लोग वहाँ पे, मैंने खुद देखी हैं डिबेट्स, किसी ने बताया नहीं है, मैं देखती हूँ डिबेट्स, तो ये और बातें आपकी आजकल नहीं हो रही है तो वो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें जब कश्मीरी आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं, तो वो क्यों इतने खफा है वो आपसे? जी आरजू जी, दो चीज़ें हैं। पहली बार तो थैंक यू, आप तुर्की, ईरान, ये सब इंटरनेशनल अफेयर से छोड़ के अब आप कश्मीर में आ गए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने हैं जो नाराज हैं ना हिंदुस्तान से टीवी पे, राइट, मैं आपको इनसे ऑफ कैमरा मिलवाऊंगा, आप हिंदुस्तान आइए, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको ऑफ, देखिए सब सबकी रेहड़ियाँ हैं, सबकी दुकानें हैं, सबकी पब्लिक पोजिशन है, राइट। जो लोग एक जमाने में हुरियत पसंद थे, 370 के बाद अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगे, ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं ना एक, क्या बोलते हैं, फेल में फर्क बोलते हैं ना आप लोग, हिंदी में बोलते हैं कथनी और करने, सही। मैं आपके चैनल पे वही बोलता हूं जो मैं रिपब्लिक पे बोलता हूं, जो मैं पर्सनल, जब आप उससे मिलेंगे इंडिया में आएंगी, मैं आपसे पर्सनली भी वही बोलूंगा और मैं आपसे कश्मीर में जाकर भी वही बोलता हूँ। गौरव आर्या की कथनी और करनी, यानी गौरव आर्या की कॉल ऑफ हेल में आपको फर्क नहीं दिखेगा, पर काफी लोग जो टीवी पर आते हैं उनके कॉल ऑफ हेल में फर्क है। दूसरी चीज, ये जो रिसेंट इलेक्शन से खुश नहीं है, है ना, अगर खुश नहीं है तो इतना टर्नआउट कैसे हुआ, इतने लोगों ने इलेक्शन लड़ा क्यों? और इलेक्शन तो होगा, चाहे कश्मीर में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, या दिल्ली में हो, या साउथ इंडिया में हो, पूरे में, ये नहीं है खुश तो ना रहे। हम इनको खुश करने के लिए हम क्या करें भाई, मैं इनके लिए गजल गाऊं, कव्वाली गाऊं कि ये खुश हो जाएं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर ये खुश नहीं है तो भागे यहां से, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई लेने देने नहीं है। पर ये अच्छे लोग हैं,
ये जो आते हैं ना पैनलिस्ट, दीज आर गुड पीपल, ये दिल के अच्छे लोग हैं, बट आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जी, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। लेकिन वो काफी नाराज थे अभी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। लेकिन मेजर साहब एक चीज और बताइए कि आप एक मिनट, ये नाराज रहते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे, 10:01 पर दोबारा गौरव इनका भाई हो जाता है, गौरव भाई, और वो हमारे भाई हो जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही। लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में जो ट्वीट्स करते हैं वो 99% नेगेटिव होती हैं, और आप हमारे मिनिस्टर्स को भी नहीं छोड़ते। अभी शेख रशीद साहब के बारे में आपने एक वीडियो भी बनाई थी, और आपको नहीं लगता कि वो उनका एक बिल्कुल ही पर्सनल लाइफ है उनकी, और उस पर वो जो मर्जी करें, आप इस तरह से उनको विचारों को ऐसे अगर आप बदनाम करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ दूं कि पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो मंदिर है वो 6 महीने उसमें हंगामा रहा और बड़ा शोर और जो भी होता रहा सब आप जानते हैं, लेकिन अब वो दोबारा से उसको कहा गया है कि जी इसकी तामीर हो और इसे बनाया जाए, तो उसके ऊपर कोई अच्छी ट्वीट भी आ सकती थी मेजर साहब की, अगर हम सोचें तो तारीफ भी हो सकता है कि चले बना रहे हैं दोबारा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मंदिर बनेगा ना उस दिन मैं तारीफ भी करूंगा, मुझे उम्मीद बड़ी कम लगती है क्योंकि मैंने सिर्फ टूटते देखा है, मैंने बनते हुए नहीं देखा, पहली चीज। तो अभी बातचीत चल रही है। देखिए आरजू जी, जब वो मंदिर तोड़ा आप लोगों ने इस्लामाबाद में, आपसे मेरा मतलब जिन लोगों ने भी तोड़ा, पाकिस्तानियों ने जब वो तोड़ा, हमें उसका सबूत तो मिल गया कि ये टूटा है, लेकिन बनने का सबूत नहीं मिला। जिस दिन हम आंखों के सामने देख लेंगे बन रहा है, सबूत लेंगे, उस दिन हम सलाम पेश करेंगे और हम कहेंगे बहुत अच्छा काम करा, हम सपोर्ट भी करेंगे इस चीज को। और मंदिर सिर्फ इसलिए आप लोग मत बनवाइए, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, आप इसलिए मंदिर मत बनवाइए क्योंकि वहां पर कुछ हिंदू हैं और उनको सजदा करना है, यह आपका कल्चरल पास्ट है। इस खित्ते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे, 3-4-5 generations पहले ये सब हिंदू थे। आपके आपके आर्मी चीफ का हिंदू नाम है ना, और है आपके जितने भी चौधरी हैं, चिट्टे हैं, चीमा हैं, रंधावा हैं, राठौर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कौन है, ये तो हिंदू ही है ना, और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं पाकिस्तानी। वो टीवी पे आते हैं वो कौन बोलते हैं कि मैं गुज्जर शेर हूं, वो आते ना वो पता नहीं कौन से बड़े, वो बड़े जोर से बोलते हैं, वो इफ्तिखार चौधरी, वो जो पीटीआई के आते हैं, हाँ पता नहीं वो जो हाँ। कैमरे के अंदर मुंह डाल के बात करते हैं जो ना, मुझे लगता है इंडिया ही आ जाएंगे बिना वीजा के, बिल्कुल पाकिस्तान से घुसेंगे कैमरा के अंदर। तो जो गुजर है कम्युनिटी ना, वो तो हिंदू है। आपको कश्मीर में जाएंगे तो आपको मुस्लिम गुजर भी मिलेंगे, लेकिन जो कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी है दैट इज बेसिकली हिंदू, उनका मूल हिंदू है, जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी गुजर नहीं, सॉरी जम्मू के साइड में गुजर रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो कश्मीरी हैं, आप उनके सरनेम देख लीजिए, आप उनके देर आर मेनी हुआ कश्मीरी हिंदू, उनके सरनेम भी वही हैं। तो जो आप मंदिर की वहां पे तामीर कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वहां पे हिंदू आके अपनी पूजा करेगा, वो तो करेगा ही पूजा अगर उसका मंदिर होगा, तो आप इसलिए करिए कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। It is an acknowledgement of your past. आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, आपकी जो तारीख है, वो हिंदू है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी है ना, जो नालंदा है इंडिया में, ये इंडिया का एक 100% हिंदू पास्ट रहा है, ये बात सच है। तो जो लोग भी अब वो ठीक है कि जितने सैयद पाकिस्तान में उतने पूरे के पूरे सऊदी अरब में नहीं है, वो ठीक है, वो पाकिस्तानियों के मंदिर में, उनको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, वहां पे आपको कुरेशी नहीं मिलेंगे, सारे के सारे कुरेशी ही पे, ठीक है, कुरेशी तो कहते हैं ना ट्राइब ऑफ कुरेश, हजरत मोहम्मद साहब की ट्राइब थी, ट्राइब ऑफ कुरेश के थे हजरत मोहम्मद साहब, तो सऊदी अरेबिया में इतने कुरेशी नहीं है जितना यहाँ पे है, सब कॉन्टिनेंट में हमारे, ये सब बातें ठीक है, सबकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑल्सो योर कल्चरल पास्ट, हिंदुइज्म इज योर कल्चरल पास्ट। आपने पूजा की पद्धति बदली है, आपने पूजा की शैली, अपने इबादत करने का तरीका बदला है, आपने अपनी संस्कृति नहीं बदली। आई मीन अगर बदली है तो गलत चीजें नहीं बदलनी चाहिए, सो दैट इज इट।
बिल्कुल सही। और आपकी बात से मैं एक चीज़ और मेजर साहब पूछना चाहूँगी कि पहले जब जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, काफ़ी साल आप पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफ़ी ज़्यादा 90% शायद ख़त्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई हैं या कुछ ऐसा किया है भारत ने कि वो बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और रखा जाए, या वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह सब बिल्डिंग्स को दोबारा से जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया है और कुछ नए डिज़ाइन बना दिए हैं, या पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी हैं? अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स हैं हमारी। हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट, वो भी उस समय का बना हुआ है। और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है, अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वायसराय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे। भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था, पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे। हमारे पैसे हमने दिए, हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे, भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं ये हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट डिजाइन करा या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है? मालकान हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था? जो शाहजहां बड़ा अमीर था भाई, लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे। वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था? वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अय्याशी हैं मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था। उसने दूसरों के लिए काम करा था, 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, तो हम अंग्रेजों से कहते हैं तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ? पैसे हमारे थे, मालिक हमें, तुमने डिजाइन करा ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे। और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे वो उसमें उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। लेकिन काफी हद तक आप लोगों ने रखा हुआ है, मतलब उन बिल्डिंग्स को खत्म नहीं किया, उनको उनको डिमोलिश नहीं किया। बिल्कुल नहीं सही। नहीं लेकिन मेजर साहब एक एक चीज़ मैंने वैसे ही देखा ट्विटर पे, किसी की वीडियो थी, वो कह रही थी कि ये लोग सीए की बात कर रहे थी वो, और कह रही थी कि कहते हैं जी हम इधर से भी हिंदूज को ले आएंगे, उस कंट्री से भी ले आएंगे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे, सब जगह से, तो रखेंगे कहाँ? और वैलिड क्वेश्चन था, क्या भारत में पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि अगर इधर उधर से पूरी दुनिया से हिंदूज आ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनको रखने के काबिल हैं, उनको जॉब्स देने के काबिल हैं, या समझते हैं कि उनके लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पानी, वो होगा? आरजू जी, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये, जिन्होंने भी मोहतरमा थी जो आप कह रही हैं जिन्होंने बनाया वीडियो के, उनको रखेंगे कहाँ पे? कितने बाकी हैं ये बताइए आप, कितने बाकी हैं? सब सबको जगह, मार पूरी दिया, पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ पूरी दुनिया, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। एनआरसी और जो हम सीए की बात करते हैं, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीए की बात करते हैं। सीए तो सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर है, पूरी दुनिया का तो है ही नहीं। तो लोग ठीक कहते हैं हम सीआरसी, हाँ तो ये तो सिर्फ 3 मुल्कों का है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं और अप्लाई करते हैं
तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। भाई इंडिया इज बेसिकली अ हिंदू कंट्री, पॉपुलेशन मोर देन 80% इज हिंदू। अरे पाकिस्तान में कोई हिंदू परेशान है तो कहां जाएगा वो, साउथ अफ्रीका थोड़ा ना जाएगा, या वो बोले जी मैं पोलैंड चला जाऊंगा, वो तो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा, और क्यों ना देखे, उसका मुल्क है, उसका स्वागत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए हमारा इंटेंट है उनको वापस लाना, अगर वो वापस आना चाहे तो, बिकॉज दे हैव टू अप्लाई फॉर इट। और मैं कई लोगों से जब ये ना दिमाग से पैदल लोग होते हैं एक्चुअली आरजू जी, मैं तो इनको सीरियसली नहीं लेता, ना ट्विटर पे इनको जवाब देता हूं, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं पता है। पता नहीं कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में गए ये लोग, जो ये लोग बात करते हैं। मैं एक किसी खास की नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। इनसे पूछिए आपने पढ़ा है CAA का डॉक्यूमेंट, नहीं पढ़ा उन्होंने, तो मतलब क्यों फिर क्यों बोलते हो, क्यों अपने आप को जलील करवाते हो सबके सामने। सिर्फ ये बात कही है कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हिंदू आएगा उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे तीन मुल्कों में, क्योंकि ये तीनों मुल्क जो हैं दीज आर इस्लामिक रिपब्लिक्स, दीज आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज बाय डेफिनेशन, ये तो इस्लामिक रिपब्लिक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों इस्लामिक रिपब्लिक हैं। वहां पे जो हिंदू हैं उनके साथ जातियां हो रही हैं, तो हम कहें अगर तुम आना चाहो, और वहां से अगर मुसलमान आना चाहे वो भी आ सकता है, उसको 11 साल लगेंगे, तुम्हें उसका आधा वक्त लगेगा, यही तो बोला है। यहां पे कुछ मुस्लिम खड़े हो गए कहने के लिए कि साहब ये तो गलत है, ये तो गलत। क्यों गलत है भाई, जब आपको इतने साल हज की सब्सिडी मिली तब वो गलत नहीं था। मुझे तो वैष्णो देवी जाने की सब्सिडी आज तक नहीं मिली, मुझे तो सरकार ने ये भी नहीं बोला कि यार एक ग्लास पानी है तुम पी लो, है ना। मुझे तो जोशीमठ, ये आपने बद्रीनाथ, मुझे तो साउथ में जो हमारे बड़े बड़े महान पुराने प्राचीन मंदिर हैं, मुझे तो कभी किसी ने एक रुपए नहीं दिया। लेकिन इस साल में, इस मुल्क में 60-65 साल हज की सब्सिडी लगी थी कि आप जाइए। आपने कभी किसी सिख को बोला, आपने किसी सरदार को बोला कि तुम हरमंदर साहब चले जाओ, गोल्डन टेंपल, अमृतसर, हम तुम्हें सब्सिडी दें? क्या सरदार लेते भी नहीं किसी का पैसा उनकी? दे यू विल नेवर फाइंड देम बेगिंग और कि हमें पैसा दे दो, ये सब सरदार करते नहीं ये सब काम। लेकिन आपने कभी किसी को नहीं बोला, आपने बुद्धिस्ट को नहीं दिया, आपने जैन को नहीं दिया, आपने पारसीज को नहीं दिया, आपने किसी को नहीं दिया। आपकी 60-65 साल यहां पे हज की सब्सिडी चली, वो सही थी। अगर आपने हिंदुओं को डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट गलत हो गया साहब, उससे इस्लामोफोबिया हो गया, उससे हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक खतरे में आ गया। तो ये तो मुनाफकत है ना, डेमोक्रेसी है ये बात है अर्जुन जी। मेजर साहब, एक मेरे पास एक गेस्ट आए थे, मैं खैर उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंडियन गेस्ट थे। उन्होंने मुझे, मतलब जैसे बात होती है हमारी शो से पहले या शो के बाद, तो उन्होंने कहा कि ये सब बात करते हैं जो इंडियन पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान क्यों बना। क्योंकि जब मुसलमान पाकिस्तान बनने से पहले जब कोई मुसलमान पानी मांगता था तो ये ऊपर से पाइप से ऐसे पानी देते थे कि जैसे कोई ग्लास को टच ना करे और उनके बर्तन ना छुए, और इस तरह की बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए कि इंसल्ट की गई। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम्स ने सोचा कि हम एक अलग कंट्री बनाएं जहाँ पे हम जो है रिस्पेक्टफुली रह सकें। कहते हैं ये चीज़, वो खुद भी इंडियन थे, मैं साफ बता दूं। तो उन्होंने कहा कि जी कोई इंडियन पैनलिस्ट आपको ये बात नहीं करते, वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं जी बड़ी साजिश हो गई और ये हो गया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ये सब जो भी आपके पैनलिस्ट थे झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो भी बंदा है वो झूठा है। ये जो छुआछूत की बीमारी है, ये तो एक टाइम पे हिंदुओं के साथ भी होती थी गांव में, ठीक है, ये तो हिंदुओं के साथ भी होती थी। और एक बात बताइए, ये मुस्लिम्स, मैं मजहब नहीं पूछूंगा जो आपके गेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कम से कम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी तो आप कहते हैं कि आपने 800 साल हिंदुस्तान पर राज करा, 800 साल हिंदुस्तान में अकबर आजम, जिले लही, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, नूरजहां, फलाने, पता नहीं कितने कितने तो नाम हमें गिना दिया, एक लाख पानी नहीं पी पाए आप, तो राजा थे, बादशाह थे भाई, एक लाख पानी नहीं पी पाए। ये कोई है, ये तो बच्चों वाली बात है कि हमें पानी ऐसे पिलाते थे, वो नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, कौन से पाकिस्तानी ने बता दिया कि गिलास से पानी नहीं पिलाते थे, ऐसे छूते थे?
नहीं नहीं सर, वो उसकी बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, 1947 की बात समझ कर रहा, रहे थे। सुनिए दूसरा, वो सुनिए, इंडियन थे और वो हिंदू ही थे, वो मुस्लिम नहीं थे, किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा, ये ऐसे ये नासूर हिंदुओं में ज्यादा है ये प्रॉब्लम, ये जो कैंसर है ना, ये कुछ लिबरल हिंदुओं में ज्यादा इनका दिमाग खराब हो रखा है कि ऐसा होता था, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, कौन नहीं बताएगा भाई। अच्छा, हम लोगों ने बात छुपा ली, आप लोग बता दो पाकिस्तानी मीडिया में। तो व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? आप लोगों ने खुद पढ़ी है टू नेशन थ्योरी? जो मौलाना मौदूदी कौन थे? मौलाना मौदूदी जो पाकिस्तान के जिसको सो कॉल्ड गॉडफादर थे, मौलाना मौदूदी ने क्या बात बोली थी, आप वो डिस्कस करिए। मौलाना मौदूदी ने यह बोला था, मैं आपको बताता हूं क्यों है ये, इसलिए नहीं कि आपको छोटा समझते हैं या मुसलमानों को छोटा समझते हैं, बात यह थी कि एक जमाने में बहुत चेंज हो गई सोसाइटी, एक जमाने में हिंदूज वर लार्जली वेजिटेरियन। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे घर हैं जहां पे आप अंदर प्याज लहसुन नहीं डाल सकते, अभी भी ऐसे हिंदुस्तान में घर हैं जहां जो नॉनवेज खाता है उसके बर्तन अलग होते हैं, चाहे वो उनके खुद के घर का मेंबर हो। हिंदुस्तान गाय की पूजा करते हैं, आप कहते हैं मुसलमान है हम गाय खाएंगे फिर तुम पानी पिलाओ, ये नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, एज अ मुस्लिम मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, एक एक हम लोग टेस्ट करते हैं यहाँ पे आरजू जी, आपका और मेरा, ठीक है, मैं हिंदू हूं आप मुस्लिम है, ठीक है, मैं कहता हूं मैं पानी पीता हूं एक गिलास से, और मैं कहता हूं आरजू जी अब आप गिलास से पानी पीजिए, लेकिन मैं अभी अभी सुअर खा के आया हूं, आप जरा पानी पीजिए। अगर आप पानी पिएंगी तो मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से माफी मांग लूंगा। अगर आपने कभी बोल दिया कि इस दुकान में सुअर मिलता है तो उस दुकान को तो पाकिस्तान में जला देंगे, मार देंगे बंदे को कि तूने बेचा कैसे यहां पे, यहां पे ग्लास के पीछे वो बंदा इमोशनल हो रहा है आपकी शो में आके, ये हो गया जी, ये हो गया, इसलिए पार्टीशन हुआ क्योंकि ग्लास में, क्या बच्चों वाली बात है। इट वॉज अ पॉलिटिकल थिंग स्टेज्ड बाय द ब्रिटिश, अंग्रेजों ने पार्टीशन करवाया, राइट, कुछ ऐसे हालात हुए यहां पे, डायरेक्ट एक्शन दिए, जिन्ना साहब ने कॉल करा, ठीक है, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ इंडिया में, कांग्रेस पार्टी अग्रीड टू पार्टीशन, दे सेड कि हाँ ठीक है होने दो, पार्टीशन हुआ, मारकाट हुई लोगों की दोनों तरफ, इसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, सब सब के लोग मरे इसमें पार्टीशन में, तो हमारे लोग भी मरे, आपके लोग भी मरे। ये सब ना इमोशनल बातें हैं, और डिफैक्टो, यानी कि जिसको कहते हैं ना पोस्ट फैक्टो, सॉरी नॉट डिफैक्टो, पोस्ट फैक्टो, एक बार चीज हो गई फिर उसके जस्टिफिकेशन निकालना। मैं आपके साथ बदतमीजी कर दूं, ठीक है आरजू जी, और फिर उसके बाद मैं खुद को जस्टिफाई करूं कि जी मैंने तो इसलिए करा था क्योंकि आज से 3 साल पहले आरजू जी ने मुझे ऐसी बात बोली थी तो अभी तक मेरे दिल में है, तो इसलिए मैंने, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सब झूठी बात है, ठीक है ना। नहीं ठीक है, ठीक है, मेजर साहब का गुस्सा आ गया तो मैं मेजर साहब का मुंह ठीक करती हूँ। मेजर साहब बताइए, मेरा मेरा बुक शेल्फ कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, बाकी सब छोड़े हम क्लोजिंग पे जा रहे। जबरदस्त 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 आरजू जी, बुक शेल्फ बहुत जबरदस्त है, कुछ उर्दू की किताबें दिख रही है, मुझे तो आती नहीं उर्दू पढ़नी। हाँ। नहीं इंग्लिश की भी है, ये देखिए ना पीछे। वो जिन्ना साहब की यूथ की फोटोग्राफ है। बिल्कुल, और ये जसवंत सिंह साहब की बुक है, हो सकता है आपने पढ़ी हो पार्टीशन। मैंने सुना है, मैं पढ़ नहीं पाया, बट वो चीज है, मगर ये शायरी की है, ऊपर फैज अहमद फैज की बुक है और साथ मेरे फादर की पिक्चर है फैज अहमद फैज के साथ, क्योंकि आप कुछ शायरी वगैरह से भी ये थोड़ा शौक है तो इसलिए मैंने कहा बताऊं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप इलाहाबाद से ताल्लुक रखती हैं? जी जी जी, इलाहाबाद और दिल्ली, क्योंकि क्यों है ना, बिल्कुल, आपके फादर के माता पिता की फोटो है, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच, बिल्कुल, और मदर मेरी दिल्ली से और फादर इलाहाबाद। अब तो खैर मुझे लोग नाराज हो जाते हैं कि इलाहाबाद ना कहें, और मैं वो जो नया नाम रखा है अक्सर भूल जाती हूँ, प्रयागराज, प्रयागराज, बिल्कुल आरजू जी, वो नया नाम नहीं है, वो एक्चुअली पुराना नाम है, इलाहाबाद नया नाम। सही, मगर मैंने तो अब सुना है ना, हाँ, ओरिजिनल नाम क्या था कि दिल्ली का भी नाम जो है ना इंद्रप्रस्थ है, और जो इस एरिया का, दिल्ली का एरिया, नॉट स्पेसिफिकली जिसको हम दिल्ली कहते हैं बट इन एंड अराउंड दिल्ली, ये सब जो शहर है ये बहुत पहले, इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत में भी है, और अगर आप इलाहाबाद देखें वो भी बहुत प्राचीन शहर है, आज का नहीं बना इलाहाबाद, कई 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 मतलब हजारों साल पुराना है, और वहां पे पहले छोटा हुआ करता था, अब तो बहुत बड़ा हो गया इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का ओरिजिनल नाम प्रयाग है। तो जो मुगल बादशाह थे मुगल बादशाहों ने बोला कि नहीं प्रयाग नहीं होगा, कल से नाम इलाहाबाद होगा, तो
योगी जी ने वही बोला कि नहीं कल इसका नाम प्रयाग होगा, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक वो कर दिया योगी जी ने, बस दोबारा दोबारा वही नाम लेकर आ गए। बिल्कुल सही, ये पुराना जी जी। मेजर साहब लास्ट में बस ये बताइए, न्यू ईयर का क्या प्लान है आपका? इंडिया में तो मेरे ख्याल है कि इस तरह से पार्टीज वगैरह की परमिशन नहीं होगी, कोरोना अभी भी काफी हद तक है। ये कोई पार्टी कर रहे हैं? हिंदुस्तानियों ने पार्टी के लिए आज तक परमिशन नहीं मांगी, वो खुद ही जुगाड़ उगाड़ कर लेंगे सब लोग अपना। पर ठीक है, लोग बाहर ना जाएं, घर वालों के साथ मनाएं, अच्छा है, सेफ रहें, थोड़ा भी वबा चल रही है कोरोना की, ये ठीक ठाक हो जाए फिर अगले साल मना लेंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि नया साल बहुत अच्छा हो सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।